इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, थोड़ा सा फालतू चैप्टर है ये। फालतू मतलब थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। इनवर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको समझा ही दिया था। किसी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब वो फंक्शन क्या होता है, अरे याद करो, किसी फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, यानी कि फंक्शन वन वन भी हो और साथ में ऑन टू भी हो, यही बताया था। अब देखो, सबसे पहले इनवर्स फंक्शन में ध्यान दो। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन फंक्शन की। जैसे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो जरा बताओ तुम, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ अगर ड्रॉ करके देखा जाए तो ग्राफ हम सबको पता है, इसका कुछ ऐसा ग्राफ निकल के आता है। आता है ना, 0 पाई, 2 पाई, -π, सबका ध्यान बोर्ड पे, -2π, कुछ ऐसा ग्राफ आता है। इसका सबसे पहले ये बताओ तुम, रेंज क्या है बच्चों? रेंज, व्हाट इज रेंज ऑफ फंक्शन? -1 to 1, बहुत बढ़िया। एंड इसका डोमेन तुमको आर दिखाई दे रहा है, डोमेन बिलोंग्स टू आर। अच्छा ये बताओ, फंक्शन वन वन है या मेनी वन है? सबसे पहले ये बताओ, दिस फंक्शन इज वन वन और मेनी वन? मेनी वन फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है। कैसे पता लगा? सर साफ साफ दिख रहा है, अगर कोई भी हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करूं तो ग्राफ को बहुत सारे पॉइंट पे काट देगा। तो मेनी वन फंक्शन है तो लॉजिकली इसका इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए था क्या? अरे मेनी वन फंक्शन है तो इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए था क्या? नहीं करना चाहिए था। तो क्या किया गया? तो देखो क्या किया गया सिचुएशन में, एक काम किया गया, इसके ग्राफ में डोमेन को लिमिटेड किया गया, यानी कि यहां पे लिया एक पॉइंट π/2 और यहां पे एक पॉइंट लिया -π/2, समझ रहे हो? अब -π/2 से π/2 के बीच वाला पोर्शन देखो, अगर सिर्फ इस वाले पोर्शन का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, यानी कि डोमेन ले लिया फंक्शन का -π/2 से लेके π/2 तक, सिर्फ इसके लिए अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करूं तो आप देखो अगर ग्राफ कैसा बनता है, π/2 -π/2, ये लाइन है 1 का, ये लाइन है -1 का। तो इसका ग्राफ बच्चों यहां से ऐसे जाएगा और यहां से ऐसे जाएगा। बोलो क्या कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा? अब बताओ फंक्शन वन वन है या मेनी वन है? वन वन फंक्शन हो गया अभी ये, क्योंकि अभी कोई भी हॉरिजेंटल लाइन इसको सिर्फ एक पॉइंट पे काटेगा तो फंक्शन वन वन हो गया, यानी कि अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए हमने उसके डोमेन को लिमिटेड किया है, यानी कि डोमेन में से हमने कुछ पोर्शन ऐसा काट लिया है जिसके लिए फंक्शन वन वन है। अब अगर इसका इनवर्स का बात करें, याद करो इसका इनवर्स, किसी भी फंक्शन का इनवर्स याद है? मिरर इमेज निकल के आता था किसके अबाउट? एक एक लाइन होता था वाई इक्वल टू एक्स, इसके अबाउट इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा? इसका मिरर इमेज सोच के देखो, अरे दिखाई दे रहा है क्या? ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा। तो अगर ये वाला ग्राफ था साइन एक्स का, तो ये किसका ग्राफ है? साइन इनवर्स एक्स का। यानी कि सबसे पहले तो इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए हमने क्या किया, इसके डोमेन को लिमिटेड किया, ठीक है? तो अगर हम एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स की बात करें, साइन इनवर्स एक्स की, एक काम करो पहले डायग्राम बना लो, तो पहले जो जो बनाया बोर्ड पे उसके बाद मैं शुरू करता हूँ कहानी। तो पहले बस इतना जान लो, कोई अगर पूछे कि साइन एक्स का इनवर्स क्यों एग्जिस्ट करता है, दिस इज मेनी वन फंक्शन, तो आप इतना बोलोगे कि मेनी वन फंक्शन है, लेकिन वो जब तब जब इसका डोमेन आर है, हमने इसके डोमेन को ले लिया है -π/2 से π/2, और हम उसके लिए देखते हैं फंक्शन वन वन हो जाता है, और उसके बाद हमने इसका इनवर्स निकाला है। और इनवर्स फंक्शन में होता क्या था, डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज हो जाता था, जो डोमेन होता था वो रेंज बन जाता था, जो रेंज होता था वो डोमेन बन जाता था, याद है? अभी कुछ ऐसा ही होने वाला है, पहले इसको नोट करो। एसी चलेगा? चले।
हो गया, लिखो लिखो। लाइट नहीं है। अच्छा हो गया सबका, लिखो 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 लिखो, आराम से लिखो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अब देखो इनका क्या डोमेन, डोमेन लिमिटेशन ना। हाँ बच्चे इसी में लगता है, बाकी जगह तो हम पहले फंक्शन को चेक कर लेते हैं, वन वन है, ऑन टू है, तभी हम अप्लाई करते हैं, लेकिन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को इसी तरह से डिफाइन किया गया है, पहले डोमेन को लिमिट करके। अब देखो मैं सारे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ एक बार मैंने पहले भी बनाया था, आज फिर से बना रहा हूं मैं। पार्थ हो गया, बहुत बढ़िया। अब बढ़िया, सबसे पहले बात करते हैं एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स की, बात करते हैं साइन इनवर्स एक्स। अगर इसका ग्राफ देखा जाए तो सबसे पहले तो दिमाग में बैठा लें, साइन एक्स का डोमेन होता है बच्चों, साइन एक्स में डोमेन हमने लिया था माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, वो बन जाएगा इसका रेंज, जो साइन एक्स का डोमेन था माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, वो इसका रेंज बन जाएगा, यानी कि ये माइनस पाई बाई टू, इधर आएगा बच्चों पाई बाई टू, और उसका जो रेंज था माइनस वन से वन, वो बन जाएगा इसका डोमेन, यानी कि इधर माइनस वन और इधर वन, और ग्राफ बिल्कुल वैसा ही जैसा यहाँ पे हमने बनाया है, यहाँ से स्टार्ट होके ओरिजिन से घूमता हुआ इधर की तरफ। दिस इज ग्राफ ऑफ, जो डार्क लाइन दिख रहा है, दिस इज ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो ग्राफ देख के आपको साफ साफ फील आएगा डोमेन कितना दिख रहा है, दिख ही रहा है एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बच्चों, माइनस वन से वन तक, और रेंज भी आपको दिखाई दे रहा है वाई का वैल्यू कहां से कहां तक, माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक। ठीक, सुनते जाओ। दूसरा है एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। अगर एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स की बात की जाए तो इसमें जीरो से पाई वाला पोर्शन लिया गया है, तो इसका जो रेंज हो जाएगा जीरो से लेके पाई तक, सबसे पहले जीरो से पाई का बाउंड्री ले लिया, उसके बाद इसका डोमेन भी सेम माइनस वन से लेके वन तक, और ग्राफ यहां से स्टार्ट होके ऐसे झूमता हुआ इस पॉइंट तक, और ये पॉइंट है पाई बाई टू का। दिस इज ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। और अगर इसका तुम डोमेन देखो, ग्राफ देख के डोमेन बताओ मुझे, डोमेन पे कोई फर्क पड़ा नहीं, माइनस वन से वन, और रेंज क्या हो गया इसका, जीरो से लेके पाई तक। सुनते जाओ सुनते जाओ, ये ग्राफ्स आपको आज के बाद एकदम दिमाग में रखना है, कहीं भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। थर्ड इज टेन इनवर्स एक्स, एफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। अगर इसका ग्राफ देखा जाए तो ये है आपका माइनस पाई बाई टू, ये है आपका पाई बाई टू का बाउंड्री, और इसका ग्राफ इधर से ऐसे झूमता हुआ ओरिजिन पे झूमता हुआ काटता हुआ इधर की तरफ, ये टच नहीं कर रहा है ये दोनों लाइन को, इन्फिनिटी पे जाके करेगा। इसका डोमेन बताओ, डोमेन आर, और रेंज क्या हो जाएगा, डोमेन मतलब एक्स एक्सिस आर, और रेंज क्या हो गया बच्चों, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, बट विथ ओपन इंटरवल, नॉट क्लोज इंटरवल, ठीक है, ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है। सिमिलरली फोर्थ वन इज एफ एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स,
अगर इसका ग्राफ अगर आप देखना चाहो, एक्स वाई ये जीरो, ये पाई का बाउंड्री, पाई का बाउंड्री, और ये पाई बाई टू वाला लाइन, पाई बाई टू, और ग्राफ इधर से स्टार्ट होके ऐसे पाई बाई टू पे काटते हुए इधर की तरफ। डोमेन बताओ इसका, एक्स बिलोंग्स टू आर, और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा, जीरो टू पाई ओपन इंटरवल। ठीक, इसको नोट नोट करो, पहले बनाओ। नहीं, ये उसी को मिलेगा जो क्लास कर रहा है। सबका आज अटेंडेंस ले रहा हूं मैं, सब सबका अटेंडेंस नोट हो रहा है वहां पे आज। पेन ड्राइव में, हाँ एक दिन आ जाना सेंटर पे, वीक में एक दिन सेंटर पे आना, जिस जो जो क्लास कर रहा है, और आके लेके जाना, और दूसरों को शेयर नहीं करना है, गलत फायदा उठा रहा है सब मार्केट में इसका। हाँ, या फिर गूगल ड्राइव में दे दूंगा मैं पासवर्ड डाल के। तुम लोग शेयर कर दिया तो हो गया। नेक्स्ट इज एफ एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स एक्स इसी में बना देता हूँ, इसको डॉटेड कर लो, ये जो दिखाई दे रहा है रेफरेंस के लिए, या फिर नहीं भी बनाओ, आपकी मर्जी है। ग्राफ ऐसा होता है, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, ऐसा ये जो लाइन दिख रहा है ये ग्राफ है, ये बाकी ये डॉटेड है। इस ग्राफ को देखो, इस वाले ग्राफ को, इसका डोमेन बोलो तो।
इस वाले ग्राफ का डोमेन इसको हटा दो, ये वाला पोर्शन बीच से गायब हो गया, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इन्फिनिटी, इसका डोमेन होता है माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल वन, याद करो मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल वन का मतलब भी वही है, एक्स लेस इक्वल माइनस वन और एक्स ग्रेटर इक्वल वन, याद है। और इसका रेंज बोलो बच्चों, रेंज देखो ग्राफ को, वाई एक्सिस देखो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, लेकिन बीच में छूट गया कौन, जीरो, तो रेंज होगा इसका माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक माइनस जीरो, जीरो को हटा दो मार्केट से। सिमिलरली एफ एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, इसी ग्राफ में इसको डॉटेड करें, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लो पाई बाई टू वाला जो पाई बाई टू से जा रहा है, उसके बाद ये वाला ग्राफ उठ के ऐसे और ये वाला इधर, ये ग्राफ है, बाकी ये ग्राफ नहीं है। हाँ भाई, क्या इसका भी डोमेन सेम रहेगा, इसका भी डोमेन देखो तो माइनस वन के इधर ग्राफ है और वन के इधर ग्राफ है, बीच में ग्राफ नहीं है, यानी कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी, और या फिर मॉड x ग्रेटर इक्वल वन बोल दो। और अगर रेंज की बात करें y का वैल्यू, रेंज देखो तो जीरो से लेके पाई, उसमें से कौन नहीं है, पाई बाई टू, तो जीरो से पाई माइनस पाई बाई टू, पाई बाई टू को हटा दिया मार्केट से। ओ भाई जान निकल जाएगा आज। बोलो पार्थो। ये पाई बच्चे, कॉट इनवर्स में हमने क्या किया है, कॉटेक्स के ग्राफ में जीरो से पाई वाला डोमेन लिया है उसका, ठीक है। कॉटेक्स में हमने लिया जीरो से पाई, तो जब कॉट इनवर्स एक्स निकाला तो वो जो डोमेन जीरो से पाई लिया था वो इसका रेंज बन गया है बच्चे, समझ में आया बात, तो वो इसका रेंज बन गया। पहले कॉटेक्स आया है मार्केट में जिसका डोमेन जीरो से पाई है, फिर हमने कॉट इनवर्स एक्स बना दिया तो वो इसका रेंज बन गया जीरो से पाई, और वहां पे रेंज होता है कॉटेक्स का आर, तो यहां पे आर उसका डोमेन हो गया, समझ में आया, उल्टा हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है आपस में, नोट करें। हाँ जी, अब हम लिखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। अब इसमें फॉर्मूला ही फॉर्मूला है बच्चों, इनवर्स में इतना फॉर्मूला है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन कौन कौन सा याद रखना है मैं वो तुमको बता दूंगा, बहुत फॉर्मूला है, 100-200 फॉर्मूला है इनवर्स में, लेकिन सब कुछ नहीं पढ़ना है हमें, लिखेंगे जरूर सबको एक बार। सबसे पहला प्रॉपर्टी इसका है, पहले प्रॉपर्टी का ए पार्ट, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, जहां पे साइन इनवर्स का देखो रेंज होता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो यहां जो वैल्यू निकल के आ रहा है x, यानी कि ये जो आउटपुट निकला इसका वैल्यू भी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होना चाहिए। दूसरा, बाहर भी कॉस इनवर्स, अंदर कॉस, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इज अगेन x, यहां पे कॉस इनवर्स का रेंज जो होता था जीरो से लेके पाई वो होना चाहिए। तीसरा है tan इनवर्स ऑफ tan x, सिंपल सी बात है, बाहर tan इनवर्स अंदर भी tan, यानी कि अंदर बाहर अगर सेम हो तो वैल्यू इसका x के बराबर आता है, यानी कि जो यहां है वो बाहर आ जाता है। कंडीशन वही है यहां भी कि x का वैल्यू जो होना चाहिए माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक, यानी कि जो इसका रेंज होता था। सिमिलरली cot इनवर्स ऑफ cot x इज इक्वल टू x, वेयर x बिलोंग्स टू
जीरो से लेके पाई, सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू, सेक इनवर्स का रेंज क्या था बच्चे, जीरो से पाई माइनस पाई बाई टू, जीरो टू पाई माइनस पाई बाई टू, एंड कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स इज इक्वल टू एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू माइनस जीरो, पहला प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी दूसरा है इसका, बाहर साइन हो सकता है अंदर साइन इनवर्स हो सकता है। देखना इधर, दूसरे प्रॉपर्टी का पहला पार्ट, बाहर साइन हो अंदर साइन इनवर्स हो, सेम ही चीज है, इक्वल टू एक्स, इसका वैल्यू भी एक्स के बराबर होगा, लेकिन यहां कंडीशन आएगा साइन इनवर्स एक्स, यानी कि साइन इनवर्स के साथ एक्स आ रहा है, तो डोमेन वाला कंडीशन, यानी कि यह डिफाइंड तब होगा जब एक्स का वैल्यू माइनस वन से वन तक लाई करेगा। सिमिलरली कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन, टैन ऑफ टैन इनवर्स एक्स, टैन ऑफ टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसके लिए एक्स बिलोंग्स टू आर, इसका डोमेन आर होता था। सिमिलरली कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसका डोमेन क्या होता था सेक इनवर्स का, जब मॉड एक्स का वैल्यू ग्रेटर इक्वल वन हो, एंड कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन अगेन मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल वन। अरे बाप रे, बहुत गर्मी है भाई, नोट करते जाओ तुम लोग। लाइट नहीं है इधर, बहुत गर्मी है। हो गया लिखना, थर्ड साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये हो जाता है बच्चों माइनस साइन इनवर्स एक्स, कंडीशन वही सेम है, एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स ये होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन, टैन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस बताता हूं लिख लो, पहले नोट करो, पहले ये फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स अगेन फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, फिर आ गया तुम्हारा सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज अगेन पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स फॉर मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल वन,
एंड कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज अगेन माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स व्हेन मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल वन। तो ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि कॉस के साथ, टेन के साथ और सेक के साथ अगर माइनस साइन आया तो बाहर पाई माइनस बनेगा, और बाकी के साथ अगर अंदर माइनस आया तो सिंपली वो माइनस बाहर निकल दिया जाएगा। क्यों होता है मैं बता देता हूं, प्रूफ है इसका, अलग ही जरूरत नहीं, लेकिन चलो तुमने पूछा है तो मैं बता देता हूं। नोट करो कल देखो मैं दो का प्रूफ बता देता हूँ इन दोनों का, जिससे तुमको थोड़ा आइडिया मिल जाए, हालांकि जरूरत नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, जहां जरूरत होगा मैं खुद से बता दूंगा। जैसे इस पहले वाले की बात करते हैं, इसका प्रूफ दिखा रहा हूं मैं, ध्यान देना प्रूफ पे। तुम मान लो लेट अस अज्यूम कि साइन इनवर्स माइनस एक्स का जो वैल्यू है वो थीटा के बराबर है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, लेट साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। ध्यान देना, यहां से साइन इनवर्स हटेगा तो उधर जाके साइन बन जाएगा, यानी कि मैं लिख सकता हूं माइनस एक्स इक्वल टू साइन थीटा, बोर्ड पे देखते रहना तुम लोग, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, तो माइनस एक्स इक्वल टू साइन थीटा, माइनस को अगर भेज दो भेज दू तो एक्स इक्वल टू माइनस साइन थीटा बन जाएगा बच्चों, अरे बनेगा। तो क्या मैं x इक्वल टू इस माइनस को अंदर भेज सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। अब यहां से फिर से साइन हटाऊं, यहां से फिर से साइन हटाऊं तो इधर इनवर्स आके बन जाएगा, यानी कि इधर आके बन गया साइन इनवर्स x और आरएचएस में बचा माइनस थीटा, यानी कि साइन इनवर्स x इक्वल टू माइनस ऑफ थीटा का वैल्यू कितना आएगा, यहां से साइन इनवर्स ऑफ माइनस x, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो इस माइनस को अगर इधर ले आओ तो माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बना, देख रहे हो, यानी कि साइन इनवर्स माइनस एक्स कहीं दिखता है तो सिंपली उस माइनस को बाहर निकाल सकते हैं। तो बोलो कि सर इसमें क्यों पाई माइनस हुआ था, देखो जरा कॉस में हमने मान लिया कि लेट, ध्यान देना बोर्ड पे, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेता हूं, cos इनवर्स हटाऊं तो उधर जाके cos बन जाएगा, यानी कि माइनस एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, माइनस को उधर भेज दूं तो x इक्वल टू माइनस ऑफ cos थीटा, यानी कि x इक्वल टू माइनस को अगर अंदर भेजू, माइनस को अगर अंदर भेजू तो क्या मैं उसको cos पाई माइनस थीटा लिख सकता हूं, सोच के देखो, cos पाई माइनस थीटा इज माइनस थीटा, इमेजिन करो cos पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसका वैल्यू माइनस cos थीटा। अब यहां से वापस अगर cos हटाया तो ये cos इधर आके बन जाएगा cos इनवर्स x, RHS में बचेगा पाई माइनस थीटा, ठीक, थीटा को इधर लाओ cos इनवर्स को उधर भेजो, तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x, और थीटा हमने किसको माना था, cos इनवर्स माइनस x को, therefore cos इनवर्स ऑफ माइनस x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। फिर से बोल रहा हूं प्रूफ तुमको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तुम बस याद रखो कि cos के अंदर माइनस आता है cos इनवर्स के अंदर तो बाहर पाई माइनस बनता है, cos के साथ, cot के साथ और sec के साथ, बाकी में सिंपली माइनस बाहर निकल जाता है। नोट करते जाएं, अभी मैं पढ़ाने वाला हूं आपको ITF इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, जहां से सबसे ज्यादा सवाल आता है। ये ठीक हो गया क्या ऐसे?
हो गया। पार्थो हो गया। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जहां से सबसे ज्यादा सवाल आईआईटी में पूछा गया है आज तक आईआईटी में या फिर किसी भी एंट्रेंस में, दैट इज ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स। अब हम बनाएंगे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स। एक ग्राफ में आपको पूरे बढ़िया से मेथड से मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं कैसे ड्रॉ करते हैं एग्जैक्टली में ग्राफ को। स्ट्रेट लाइन आता है, कैसे आता है देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से बोल रहा हूं। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ ऑफ, सबसे पहला वाई इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इसका ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं एक्स के वैल्यूज को बदल बदल के। ध्यान दो कैसे निकालते हैं, ये साइन इनवर्स इधर आके क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, तो क्या ये साइन वाई इक्वल टू साइन एक्स हो जाएगा बच्चों। ट्रिगोनोमेट्री को याद करो, ट्रिगोनोमेट्री याद है तुमको, साइन एक्स इक्वल टू साइन थीटा, तो एक्स का वैल्यू क्या होता था, जनरल सॉल्यूशन एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन इंटू थीटा, ऐसा कुछ पढ़ाया था क्या कभी, कभी पढ़ाया तुमने? चलो ध्यान दो इधर, तो यहां से मैं लिखा वही चीज इसी का यूज कर रहा हूं, y इक्वल टू बन जाता n पाई प्लस माइनस वन टू द पावर n इंटू थीटा के जगह पे है x, जहां पे n जो होता है वो इंटीजर होता है बच्चों, n इज एनी इंटीजर। अब देखते जाओ, जैसे मान लो मैंने n का वैल्यू रख दिया कुछ, मेरे दिमाग में आया माइनस टू रख दिया, ऐसे ही n का वैल्यू कुछ भी इंटीजर हो सकता है, तो मैंने माइनस टू ले लिया, n का वैल्यू माइनस टू रखूं तो y का वैल्यू क्या मिलेगा जरा सोच के बताना। ये हो गया देखो माइनस टू पाई, और यहां माइनस टू रखोगे तो ये वन बन जाएगा, यानी कि माइनस टू पाई प्लस एक्स बनेगा। अरे बोलो ना, अब इसमें मजे वाली बात क्या है कि वाई, वाई का वैल्यू कहां पे लाई करना चाहिए, वाई क्या है, साइन इनवर्स ऑफ समथिंग, साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, वाई का वैल्यू होना चाहिए था माइनस पाई बाई टू, पाई बाई टू तक, तो ये जो वाई तुम्हारा निकला इसका वैल्यू भी होना चाहिए था माइनस पाई बाई टू से लेके कहां तक, पाई बाई टू तक। अभी यहां से हम एक्स निकालेंगे, बोर्ड पे देखते रहना, मैं बोल रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा दिमाग लगाने वाला चीज यही है इनवर्स में, बाकी इसके बाद सब आसान है। माइनस टू पाई को इधर भेजा, माइनस टू पाई को इधर भेजा, तो माइनस टू पाई इधर आके बन गया प्लस टू पाई, टू पाई माइनस पाई बाई टू कितना होता है, थ्री पाई बाई टू से लेके एक्स का वैल्यू टू पाई प्लस पाई बाई टू कितना होता है, फाइव पाई बाई टू, ये थ्री है बी नहीं है, कंफ्यूज मत होना, दिस इज थ्री पाई बाई टू, यानी कि एक्स का वैल्यू थ्री पाई बाई टू से लेके फाइव पाई बाई टू तक, तब वाई का वैल्यू आया माइनस टू पाई प्लस एक्स। दूसरा देखना, ये मान लो पहला है, अब मैंने एक बार क्या किया एन के जगह पे ले लिया माइनस वन, लेट अस एज्यूम एन के जगह माइनस वन रख रहा हूं, क्या बनेगा वाई का वैल्यू बताओ, ये हो गया माइनस पाई, और यहां पे माइनस वन रखोगे तो क्या बनेगा, माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस पाई माइनस एक्स, और अगेन इस माइनस पाई माइनस एक्स का वैल्यू भी लाई करना चाहिए माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, वाई जो भी निकल के आ रहा है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, माइनस पाई को इधर भेजूं तो पाई माइनस पाई बाई टू हो गया पाई बाई टू से लेके माइनस एक्स का वैल्यू, ये उधर गया तो पाई प्लस पाई बाई टू कितना, थ्री पाई बाई टू, पाई प्लस पाई बाई टू थ्री पाई बाई टू, ठीक है, लेकिन ये माइनस एक्स है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो इनइक्वालिटी बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई टू ग्रेटर इक्वल एक्स ग्रेटर इक्वल माइनस थ्री पाई बाई टू, ये वैल्यू मिलेगा। सुनते जाओ, मान लो किसी के दिमाग में आया सर एक काम करो एन का वैल्यू जीरो ले लो, आप तो एन का वैल्यू यहां जीरो रखा, एन का वैल्यू जीरो रखा तो क्या मिलेगा बच्चों, n का वैल्यू जीरो रखो तो ये जीरो और माइनस वन टू द पावर जीरो वन हो गया, तो बचा x, यानी कि y का वैल्यू मिलेगा x
और ये x का वैल्यू कहां से कहां तक, माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक। किसी के दिमाग में आया सर आप एक काम करो n इक्वल टू वन पुट करो, ये करना नहीं है तुमको, मैं बता रहा हूं कैसे निकल के आता है। n के जगह वन रखूं तो y का वैल्यू देखो आएगा पाई माइनस एक्स, दिख रहा है पाई माइनस एक्स, और ये पाई माइनस एक्स का वैल्यू फिर से माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक पुट किया हमने, तो पाई इधर आया माइनस पाई बाई टू माइनस पाई हो गया माइनस थ्री पाई बाई टू से लेके माइनस एक्स का वैल्यू पाई बाई टू माइनस पाई इज माइनस पाई बाई टू, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो इनइक्वालिटी बदल जाएगा, ये हो जाएगा थ्री पाई बाई टू ग्रेटर इक्वल एक्स ग्रेटर इक्वल पाई बाई टू, सुनते जाना इतना काफी है, इससे ज्यादा नहीं करता हूं, इतना काफी है ग्राफ बनाने के लिए। अब देखो मैं ग्राफ बना रहा हूं, बोर्ड पे ध्यान दो, मैं ग्राफ बना रहा हूं y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x का। रेंज तो पक्का है कि इसका माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक ही रहेगा, क्योंकि साइन इनवर्स का रेंज ही यही होता है। तो सबसे पहले तो ये बाउंड्री बना लिया माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू का। पॉइंट्स ले लो, मान लो ये जीरो है, ये पाई बाई टू है, ये पाई है, ये थ्री पाई बाई टू है, ये टू पाई है, इधर माइनस पाई बाई टू है, इधर माइनस पाई है, इधर माइनस थ्री पाई बाई टू है, ऐसा कुछ ले लिया। अब ध्यान देना बच्चों बोर्ड पे, जब x का वैल्यू, यहां से ध्यान दो, जब x का वैल्यू इसको देखो पहले, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है, जब x का वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है, यानी कि इस वाले रीजन की हम बात कर रहे हैं, तो y का वैल्यू कितना था x, y इक्वल टू x, और y इक्वल टू x का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, कहां से पास करने वाला, कहां से पास करने वाला, ओरिजिन से पास करने वाला, यानी कि इसके बीच में ग्राफ ये होगा बच्चों, दिस इज y इक्वल टू x का ग्राफ। सुनते जाओ कहानी को, मजेदार कहानी है। अब आओ, जब x का वैल्यू पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू है, जब x का वैल्यू पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू है, तो y का वैल्यू मिला है पाई माइनस एक्स, क्या हम इसका ग्राफ बना सकते हैं, क्या ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगा? अरे देखो ना, y इक्वल टू पाई माइनस एक्स में x जीरो पुट करो तो y का वैल्यू पाई आएगा, और y जीरो पुट करो तो x का वैल्यू पाई आएगा, यानी कि ग्राफ जो है ये पाई कॉमा जीरो से पास करेगा, और ग्राफ कुछ ऐसा ये ग्राफ आएगा। इसके बाद फिर ड्रॉ करोगे बच्चों तो ये ग्राफ आएगा यहां तक, फिर इधर ये ग्राफ आएगा यहां तक, फिर ग्राफ इधर जाएगा, ऐसे ग्राफ इसका चलते रहता है। यानी कि जब x का वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होगा, तो साइन इनवर्स साइन x का वैल्यू y इक्वल टू x के बराबर होगा, लेकिन जब x का वैल्यू पाई बाई टू से लेके थ्री पाई बाई टू तक तो होगा, पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू तक, तो y का वैल्यू पाई माइनस x के बराबर होगा। ये ग्राफ है y इक्वल टू पाई माइनस x का। फिर देखो ये वाला ग्राफ है y इक्वल टू 3 पाई बाई टू से, इसके बीच में ये ग्राफ आएगा तुम्हारा x माइनस टू पाई का, x माइनस टू पाई का। सिमिलरली ये वाला ग्राफ आ जाएगा माइनस 3 पाई बाई टू से, कहां गया माइनस 3 पाई बाई टू से पाई बाई टू, नहीं निकाला था क्या, नहीं निकाला था, ये रहा इसका वैल्यू है y इक्वल टू माइनस पाई माइनस एक्स, ये तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। अब देखो इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा थोड़ी देर में, ये ग्राफ तुमको याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका बताऊंगा। सबसे पहले तो इसको ड्रॉ करो, तो जैसे बनाया है वैसे, ये बिल्कुल तुमको कुछ भी याद नहीं रखना है, तुमको बस वो ग्राफ याद रखना है, और वो ग्राफ याद रखने का भी मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं थोड़ी देर में, पहले इसको लिख लो। आया क्या? लाइट भी आज धोखा देके चला गया है। हाँ, उसको बोले ना केदार, केदार नहीं करता एसी का काम, एसी ठीक है खाली कनेक्शन करना है, तो कर ही देगा केदार। गर्मी में बहुत
रहने दे। अरे पहला लाइन ही नहीं लिखा है तू। पार्थो बर्मन हो गया सेंटर वाला। चलाइए चलाइए, जान निकल गया गर्मी में। हो गया पर तो ग्राफ भी बना लिया। हाँ ग्राफ में ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान दो इधर सुनो। सबका ध्यान बोर्ड पे, ग्राफ ड्रॉ कैसे करना है तुमको। ग्राफ में दो तरह का लाइन आएगा बच्चों, एक लेफ्ट से राइट जाएगा
और सॉरी हाँ लेफ्ट से राइट जाएगा और एक राइट से यानी कि ऊपर से नीचे जाएगा, ऐसे भी याद रख सकते हो, एक नीचे से ऊपर जाएगा एक ऊपर से नीचे जाएगा, ये वाला ग्राफ और ये वाला, 6 का 6 ग्राफ, यही दो लाइन दिखाई देगा उसमें। जो ये वाला ग्राफ होगा इसका इक्वेशन होगा बच्चों y इक्वल टू एक्स माइनस एन पाई, और जो ये वाला ग्राफ होगा इसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस एन पाई। अब ये एन पाई क्या चीज है, x और माइनस एक्स तो चलो ठीक है लिख लेंगे, एन पाई का मतलब वो ग्राफ किस पॉइंट से पास कर रहा है। जैसे इस वाले ग्राफ को देखो, सबका ध्यान बोर्ड पे, इस वाले ग्राफ को देखो इधर से इधर जा रहा है, तो y इक्वल टू एक्स माइनस एन पाई, तो x माइनस एन इंटू जीरो, ये देख रहे हो जीरो से पास कर रहा है, अरे देख रहे हैं जीरो इंटू पाई, एन का वैल्यू हो गया जीरो, तो y इक्वल टू एक्स माइनस जीरो। सिमिलरली ये देखो टू पाई से पास कर रहा है, तो y इक्वल टू एक्स माइनस टू पाई, देख रहे हैं। ये वाला ग्राफ कहां से पास करेगा बताओ जरा, कहां से पास करेगा, ये माइनस पाई है तो क्या ये माइनस टू पाई होगा, बताओ इसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू एक्स माइनस माइनस टू पाई, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि y इक्वल टू एक्स प्लस टू पाई। अरे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, देखो इधर y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x, इसका ग्राफ फिर से बनाता हूं मैं, ध्यान बोर्ड पे दें सब लोग, कृपया ध्यान बोर्ड पे दें, ये 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई माइनस पाई माइनस सॉरी माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई ऐसा कुछ। तो सबसे पहले ग्राफ पहला जो स्टार्ट होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक, उसके बाद ये जाएगा इधर, फिर ये जाएगा इधर, फिर ये जाएगा इधर। अब चलो तुम लोग से पूछता हूँ, इसका इक्वेशन ये इधर जा रहा है राइट की तरफ, जीरो से पास कर रहा है, तो y इक्वल टू एक्स माइनस जीरो, इसका इक्वेशन क्या होगा बच्चों, इसका y इक्वल टू एक्स माइनस टू पाई, टू पाई से पास कर रहा है, ठीक है। अच्छा इसका इक्वेशन बताओ, ये इधर आ जा रहा है, तो y इक्वल टू माइनस एक्स, समझ रहे हो, माइनस एक्स प्लस एन पाई, पाई से पास कर रहा है तो प्लस पाई, इसका इक्वेशन, इसका इक्वेशन बताओ, इसका y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस माइनस पाई, तो माइनस पाई हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है, अब देखो बाकी सब आसान है, बस याद रखो लेफ्ट से राइट जा रहा है तो x माइनस एन पाई, राइट से लेफ्ट जा रहा है तो माइनस एक्स प्लस एन पाई, ये दो बातों का बस ध्यान रखो, सारा का सारा ग्राफ तुम बना पाओगे, बस पॉइंट्स थोड़े बहुत चेंज होते हैं उनका ख्याल रखना पड़ेगा आपको। दूसरा बनाता हूं मैं, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, ध्यान देना बोर्ड पे, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का रेंज सबसे पहले जीरो से पाई होता है, तो जीरो से पाई का बाउंड्री बना लो, इधर मान लो पाई है, इधर टू पाई है, इधर थ्री पाई है, इधर माइनस पाई है, इधर माइनस टू पाई है। देखो इसका ग्राफ में और भी झमेला नहीं है, जीरो से पाई तक ऊपर ले जाओ, पाई से टू पाई तक नीचे लाओ, टू पाई से थ्री पाई तक ऊपर ले जाओ, फिर नीचे लाओ, फिर इधर ऊपर, फिर इधर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे चलता रहेगा। कोई बोले कि इक्वेशन बोलो, चलो तुम ही बोलो, इधर जा रहा है इसका इक्वेशन क्या होगा, एक्स माइनस जीरो, इसका इक्वेशन क्या होगा, अरे सब लोग सोच के बोलो यार, y इक्वल टू एक्स माइनस टू पाई, इसका इक्वेशन क्या होगा, माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, अच्छा इसका इक्वेशन बताओ, इसका y इक्वल टू माइनस एक्स सबसे पहले आएगा, प्लस एन पाई यानी कि प्लस टू पाई आ जाएगा बच्चों, इसका बताओ, इसका y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस टू पाई, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसका बताओ y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस जीरो, पाई बोल रही है, जीरो से पास कर रहा है ये, जीरो से, ठीक है। तीसरा देखो, y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स, ये और भी आसान है, इसका ग्राफ में तो कोई दम ही नहीं है, इसमें ग्राफ खाली लेफ्ट से राइट ही जाता है, मजे वाली बात ये है, बाउंड्री तो वही माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू का, ध्यान सबका बोर्ड पे, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू का बाउंड्री,
इधर पॉइंट्स मार्क कर लो आप, सपोज दिस इज माइनस पाई बाई टू, दिस इज पाई बाई टू, दिस इज थ्री पाई बाई टू, दिस इज फाइव पाई बाई टू, ये आ गया पाई बाई टू, तो इधर कहीं पाई रहा होगा, इधर कहीं टू पाई रहा होगा, इधर कहीं माइनस पाई रहा होगा। अब देखो इसका ग्राफ बिल्कुल साइन के ग्राफ जैसा, यहां से ऐसे ऊपर जाता था, अब नीचे नहीं आएगा, फिर यहां से स्टार्ट होगा, फिर ऊपर ही जाएगा, फिर नीचे नहीं आएगा, फिर यहां से स्टार्ट होगा, फिर ऊपर ही जाएगा। यानी कि इसका ग्राफ हमेशा लेफ्ट टू राइट वाला ही ग्राफ है, इसलिए इसमें और टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलो इक्वेशन बताओ, इसका इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू एक्स माइनस जीरो, यानी कि y इक्वल टू एक्स। इसका इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू एक्स माइनस पाई। इसका इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू टू पाई। इसका इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू एक्स, अरे माइनस कैसे, इसमें माइनस आएगा ही नहीं, x और माइनस माइनस देखो प्लस हो जाएगा, यानी कि x प्लस पाई। अरे समझ में आ रहा है? y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट x, इसमें और भी टेंशन नहीं है, वही कॉस का ग्राफ सिर्फ लेफ्ट टू राइट वाला, यानी कि जीरो से पाई के बीच में ये वाला ग्राफ, बस ये जीरो, ये पाई, फिर यहां से इधर ये टू पाई, फिर यहां से इधर ये थ्री पाई, इधर भी सेम कहानी, ये माइनस पाई। चलो इक्वेशन बोलो, इसका इक्वेशन क्या होगा? एक्स माइनस जीरो, इसका वाई इक्वल टू एक्स माइनस पाई, इसका सब लोग बोलो, इसका वाई इक्वल टू टू पाई, इसका माइनस एक्स नहीं आएगा, इसमें इसमें सारा ग्राफ लेफ्ट से जा रहा है, तो एक्स माइनस माइनस प्लस पाई। अरे ठीक है, फिफ्थ पॉइंट में y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक x, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल साइन इनवर्स ऑफ साइन x का ग्राफ, बिल्कुल डिट्टो साइन इनवर्स ऑफ साइन x का ग्राफ। कैसे बनाया था हमने? ये बनाया था, याद है? अब इसमें दिक्कत बस इतना ही है, दिक्कत कुछ नहीं है, ये माइनस पाई बाई टू, ये पाई बाई टू, ये थ्री पाई बाई टू, ये माइनस थ्री पाई बाई टू। वाई इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स में याद करो, इसका रेंज याद करो, एक बार रेंज याद करो, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, माइनस अरे माइनस जीरो कौन बोलेगा यार, यानी कि इसका वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है। जीरो मतलब जहां भी ग्राफ एक्स एक्सिस को काट रहा है उस पे ओपन सर्कल लगा दो, बाकी सारा कहानी सेम, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये ग्राफ हो गया कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स का, डिट्टो सेम ग्राफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स के जैसा। चलो ड्रॉ करो, फिर से बोल रहा हूं, लेफ्ट टू राइट जाओ तो x माइनस एन पाई, मतलब लेफ्ट से राइट नीचे से ऊपर की तरफ तो x माइनस एन पाई, ऊपर से नीचे की तरफ तो माइनस एक्स प्लस एन पाई, बस इतना ही तो है, बाकी सारा ग्राफ आप बना सकते हो, रेंज का ख्याल रखना है कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक x में। ओ सॉरी 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 सॉरी, यहां मिसप्रिंट हो गया ना, यहां पे डिट्टो साइन का ग्राफ बनाना था, रुको, साइन का ग्राफ नीचे आता था ना भाई, ऐसे आता था, अब x एक्सिस को जहां काट रहा है उसको गोला करो, यानी कि ये रेंज इसका नहीं होगा, ये इधर आया तो ये ऊपर जाएगा, tan इनवर्स ऑफ tan x में सिर्फ ऊपर ही जाता है, नीचे नहीं आता है।
इसका एप्लीकेशन बताऊंगा मैं, इस पे सवाल बनते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, उसके लिए भी सीवीटी बताएंगे आपको हम। हाँ पार्थ बोलो। हाँ जीरो से पाई ही तो है बच्चे, ये जीरो से पाई है, ये जीरो नहीं है बच्चे, ये जीरो से जीरो कैसे हो सकता है। यही है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का सबसे बढ़िया सेगमेंट और सबसे ज्यादा दिमाग लगाने वाला सेगमेंट, बाकी तो फिर फॉर्मूला फॉर्मूला है यार, खाली सिर्फ फॉर्मूला है, उसमें दो चार फॉर्मूला रटने लायक है, बाकी सब बकवास है। यहां पे y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू पाई, ये बोल रहे हो ये वाला, ये y इक्वल टू एक्स एक्स प्लस टू पाई, देखो बच्चे ये होता है x माइनस एन पाई, जब नीचे से ऊपर जाता है तो x माइनस एन पाई ना, तो ये नीचे से ऊपर ही जा रहा है तो x माइनस एन पाई, एन पाई की जगह बच्चे ये आएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो ग्राफ जहां से पास करता है, यानी कि x एक्सिस में जिस पॉइंट से पास करता है वो वाला एन पाई आता है यहां पे, ठीक है। और बिल्कुल कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स के जैसा ही ग्राफ बनेगा किसका, सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स का, वो भी बना ही लो। हाँ उसका रेंज खाली बदल जाएगा बच्चों, रेंज उसका याद करो क्या होता था, सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स का रेंज देखो, जीरो से पाई माइनस पाई बाई टू, यानी कि ग्राफ बिल्कुल यही रहेगा, इसमें मान लो कि ये पाई बाई टू वाला लाइन है, ये पॉइंट पाई बाई टू का है, तो ये लाइन ग्राफ को जहां जहां कट कर रहा है वहां पे ओपन सर्कल लगा दो, ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं होगा, बस खत्म कहानी। फिर से बना लो इसको, तुम भी मिटा मत देना, मैं मिटा के कर रहा हूं तो। ये हो गया y इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स, रेंज में से पाई बाई टू को हमने हटा दिया, बाकी सब कुछ सेम। ये जरूर याद रखें, ये बड़े काम का चीज है ये, इससे आपको ग्राफ रटना नहीं पड़ेगा कि कहां क्या हो रहा है। चलिए